फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टू टेबल विद नीतू। आपका स्वागत है। वैलेंटाइन डे आने वाला है तो क्यों ना वैलेंटाइन मॉर्निंग को स्पेशल किया जाए। जी हाँ, ये आटे का कुकी है। आप अपने लव वन को सरप्राइज़ कर सकते हैं और बहुत सिंपल रेसिपी है, आराम से बनाइए घर पे बिना ओवन के, बिना कोई कटर के। तो फिर चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर हमको 1 कप आटा चाहिए। आप आटे के जगह मैदा भी ले सकते हैं, कोई भी कटोरी लीजिए, बस जो कटोरी लीजिए सारा मेजरमेंट उसी से करिएगा। तो 1 कप आटा, फिर यहाँ पे 1/4 कप बेसन, 1/2 कप चीनी का पाउडर है, अगर मीठा ज़्यादा चाहिए तो 3/4 कप कर लीजिएगा, 2 बड़े चम्मच सूजी और 1/2 कप घी। आप इसके जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। बस सब कुछ मिक्स करना है और आप डो बनाना है। हो गया, आप चाहे तो स्ट्रेन कर लीजिएगा। मैं बस हाथ से ही अच्छे से सारे लम्प्स हटा रही हूँ। और हमको घी मिलाना है। आप चाहे तो इलायची का पाउडर डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, 1 छोटा टीस्पून। बस ये डो बन गया है। अगर डो नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा 1 चम्मच डालने से हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे ही आपको मिक्स करना है और ये हमारा डो बन गया। मैंने बस 1 छोटा चम्मच घी डाला था, 1/2 कप से ज़्यादा, तो आटा बेसन पे डिपेंड करता है। अब हम लोग शेप देंगे। और इसको करने से पहले मैंने अवन को ऑलरेडी प्री हीट पे रख दिया है 160 डिग्री, और कढ़ाई में भी नमक चढ़ा दिया है ताकि गर्म हो सके। कटर लीजिए, आपको जो शेप डालना है डालिए। यहाँ तो भाई मैं वैलेंटाइन स्पेशल बना रही हूँ, तो ये देखिए मैं हाथ से ही आई भी बना रही हूँ, यू भी बना रही हूँ, तो कोई कटर की ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ हाथ से कर सकते हैं और हार्ट भी मैं दिखाऊँगी हाथ से। अब मेरे पास है तो भाई हम यूज़ कर रहे हैं, बट आप बिना कटर के भी आराम से बना सकते हैं। तो बहुत ही डिफरेंट है, सिंपल है, हेल्दी है, टेस्टी है, क्विक है, मतलब बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा और डेफिनेटली आपके लव वंस बहुत खुश होंगे, मतलब सरप्राइज हो जाएंगे। जी हाँ, तो देखिए मेरा आई, नॉर्मल आई भी आप ऐसे बना सकते हैं। तो ये सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो शेप आपको देना है दीजिए। बस अवन भी अच्छे से गर्म होना चाहिए और कढ़ाई भी अच्छे से गर्म होना चाहिए, और कुछ नहीं करना है। मेरा तो ये 12 मिनट में हो गया, मतलब आप टोटल 20 मिनट में आप कुकी बना कर खा भी सकते हैं बिल्कुल। तो मैं ये कुछ कुछ गोल भी रख रही हूँ। और ये कढ़ाई के लिए मैंने प्लेट जो हीट सेफ होना चाहिए बस एल्युमिनियम फॉइल से किया। देखिए मैं यहाँ पर आपको हाथ से भी दिखा रही हूँ। मोटा पतला जैसा आपको करना है, ये देखिए बस थोड़ा सा शेप देना होता है, बन जाता है। हार्ड बनाने में क्या दिक्कत है, देखिए बन गया है ना। तो कढ़ाई में भी हम सिमिलर बना देंगे। कढ़ाई का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि ये जलने का बहुत डर रहता है। तो आपको एकदम, जब आप रखेंगे उसमें तो आपको हीट एकदम कम करना होगा। मैं आपको स्टीम भी दिखाऊँगी और अवन को आपको बेक मोड में करना है, दोनों रॉड ओपन करना है और 160 डिग्री में 12 से 15 मिनट आपको लगे, 10 मिनट से आपको अलर्ट रहना है। तो बस ये कढ़ाई वाला भी सब हो गया है, बाकी जो जो एक्स्ट्रा है मैं अवन में ही डाल रही हूँ क्योंकि इसमें अब जगह नहीं है, अभी दोनों जाएगा। तो ये देखिए ये ऑलरेडी हो गया है और मैं आपको इसका स्टीम दिखाती हूँ एकदम जितना कम हो सके। तो आपको भी एकदम कम ही रखना है। और ये अवन में बेक होके आ चुका है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, सुंदर सा। आप आराम से बना सकते हो, तो इसे आप ज़रूर बनाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेसिपी को ट्राई शेयर करिए। और ये देखिए हम इसको हल्का सा, ये मैंने 15 मिनट के बाद खोला है और मैंने गैस बंद कर दिया। बस मैं उल्टा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा कलर आ जाएगा। ये गैस बंद हो चुका है 15 मिनट के बाद। उल्टा करने से देखिए कढ़ाई वाले में भी कितना अच्छा कलर आया है दोनों साइड से। ये देखिए कितना क्रिस्पी है। और ये हमारा कढ़ाई वाला, ये देखिए खूबसूरत कलर भी है
और ये थोड़ा सा यू ब्रेक हो गया, ये देखिए ये भी बहुत क्रिस्पी है। ज़रूर बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।